भारतीय जनता पार्टी भाजपा व्यापक जनसंपर्क के लिए 4 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलाएगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े, सभी केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और प्रदेश पदाधिकारी एक दिन गांव में रहेंगे, जिसके विषय में भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील मिंटे ने जानकारी दी है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के प्रभावी कार्यों, पिछले घोषणा पत्र में वादों को पूरा करने और इस वर्ष के अंतरिम बजट के प्रमुख प्रावधानों के बारे में प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने के उद्देश्य से गांव चलो अभियान शुरू किया गया है। मोदी जी की क्या गारंटी है प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने के लिए? पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की योजनाओं और उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने वाले पत्रक वितरित किए जाएंगे। अभियान शहरी क्षेत्रों में वार्ड रहित चलाया जाएगा। इसके तहत राज्य में 50,000 इकाइयों में 50,000 भ्रमणशील भाजपा नेता प्रत्येक मतदाता तक पहुंचेंगे। पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद, विधायक, जिला परिषद सदस्यों के साथ सभी नेता जिले के प्रत्येक इकाई की यात्रा करेंगे और उन्हें सुपर वॉरियर्स 18 के संगठनात्मक कार्यों में भी सहयोग मिलेगा, ऐसा भी सांसद सुनील मिंटे ने बताया। गाँव चलो अभियान एक प्रमुख प्रवासी कार्यकर्ता प्रत्येक गावापर्यंत जाऊन त्या गावात राहून दिवसभर गावातच मुक्काम करून एखाद्या कार्यकर्त्याच्या घरी जेवण आणि झोपून त्या संपूर्ण गावातली माहिती आणि विशेषतः गावकऱ्यांना भाजपच्या विशेषतः मोदी सरकारच्या 10 वर्षाच्या कामाची उपलब्धी याविषयी माहिती देऊन संपूर्ण गावात भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने वातावरण अनुकूल करण्यासाठी हा प्रवासी कार्यकर्ता काम करणार आहे आणि असा प्रवास त्याला लोकसभा निवडणुकीपर्यंत दर 15 दिवसांनी करणं अपेक्षित आहे। त्यातला पहिला प्रवास या 4 तारखेपासून 11 तारखेच्या दरम्यान तो त्याला करायचा आहे आणि म्हणून हे गाव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टीचं आपण सर्वांनी या कार्यक्रमाला प्रसिद्धी द्यावी या दृष्टीने आपण आजची पत्रकार परिषद बोलावली। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।